हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स फोरम ये न्यू चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि मेनली आपको डिस्कस करूंगा कि जो टीवी का मतलब जो सीआरटी टीवी होता है, मान लो तो टीवी का चैनल ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है, ठीक है। हो सकता है टीवी का वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, हो सकता है टीवी का वॉल्यूम ऑटोमेटिक वो कम हो रहा है, हो सकता है ए वी बॉटम अब वॉल्यूम चेंज कर रहा है वो ऑटोमेटिक ए वी बॉटम चेंज हो गया, इस तरह कुछ भी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक अचानक वो टीवी के अंदर शो हो रहा है। तो ये बहुत प्रॉब्लम देखा जाता है टीवी देखने का समय। तो इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा तो आप कैसे प्रॉब्लम को रिपेयर करें, तो दोस्तों इसका ऊपर मेरा तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के अंदर डिटेल्स 2-3 वीडियो बना के रखा हूँ। बट दोस्तों ये चैनल के अंदर आपको पूरा क्लियर कर दूंगा ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, मेनली दो टाइप का पीसीबी टीवी का पीसीबी मार्केट के अंदर देखा जाता है। तो दोस्तों ये पुराना एक एलजी का चैसिस है। ये चैसिस के अंदर देखिए आपको जो फॉलो करना पड़ेगा कि देखिए ये जो बॉटम स्विच है, ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉटम स्विच है। तो ये बॉटम स्विच, इसी तरह बॉटम स्विच इसका कनेक्शन दो तरह से देखा जाता है। मेनली आपको इतना कुछ ध्यान देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आपको नॉर्मल सा आइडिया लगाना पड़ेगा। मान लो ऑटोमेटिक इसका चैनल, ये टीवी का मतलब ये जो चैसिस है, चैसिस का चैनल ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, तो आपको आइडिया देखना पड़ेगा ठीक से कि ये जो बॉटम है, ये बॉटम के अंदर कौन सा चैनल चेंजिंग मतलब चैनल प्लस और चैनल माइनस बॉटम है। मान लो ये चैनल प्लस का बॉटम है, ये चैनल माइनस का बॉटम है, ठीक है। तो मान लो चैनल ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये जो बॉटम है, ये बॉटम पुशिंग का बॉटम है, ठीक है। ये पुश, देखिए ये पुश सिस्टम है। हो सकता है इसका अंदर जो कार्बन होता है ये अंदर से शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने का रीजन से ये बॉटम दबाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो ऑटोमेटिक चैनल चेंज हो जाएगा सल्फर का वजह से, ठीक है। ये एक रीजन है। हो सकता है चैनल ऑटोमेटिक वो नीचे चला मतलब डाउन हो रहा है, तो ये हो सकता है उसका स्विच, तो ये स्विच होगा तो इसका अंदर सल्फर आएगा, तो इसी का रीजन से भी हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, चैनल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा तो मान लो ये चैनल प्लस का स्विच है, तो आपको ये स्विच को ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बात, मान लो वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ रहा है और कम हो जा रहा है, मान लो ये वॉल्यूम प्लस का और ये वॉल्यूम माइनस का, मान लो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये वॉल्यूम बढ़ाने का जो बॉटम स्विच है, हो सकता है इसका अंदर सल्फर आ गया और शॉर्टिंग हो गया, शॉर्ट होने का रीजन से ये दबाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये बॉटम स्विच को, सॉरी ये बॉटम स्विच को आपको ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका बाद इसी तरह ये भी बॉटम हो सकता है, मेनू बॉटम हो सकता है, अचानक टीवी के अंदर कुछ भी लिखा आ जाता है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा वो कौन सा चार्ट आ जाता है। मेनू चार्ट आएगा तो आपको मेनू बॉटम चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चेंज मतलब फर्स्ट आपको ओपन करके देखिए कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए इसी तरह पीसीबी के अंदर इस तरह बॉटम कनेक्शन आएगा तो आपको बॉटम स्विच को ओपन करके देखना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गया। और जो चाइना पीसीबी देखा जाता है मार्केट के अंदर, देखिए मेरा पास ये चाइना पीसीबी है। चाइना पीसीबी के अंदर मेनली जो बॉटम पैनल, बॉटम स्विच का कनेक्शन का पैनल अलग सा मिलता है इस तरह, ठीक है, इस तरह अलग सा कनेक्शन देखा जाता है। और ये जो जैक पॉइंट, ये वायर का थ्रू, ये जैक का थ्रू इस पर कनेक्शन देख, तो इसी तरह कनेक्शन देखा जाता है। तो जब इसी तरह प्रॉब्लम चाइना पीसीबी का और इसी तरह कुछ भी पीसीबी का अंदर देखने को मिलेगा तो उसका जो इसी तरह जैक पॉइंट देखा जाता है, ये जैक पॉइंट को ओपन करके आप देखिए, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि सेंसर का लाइन अलग होता है, मेनली ये जो बॉटम स्विच इसका अंदर है, इसका लाइन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरह ये जैक को ओपन करने के बाद मान लो तब भी वॉल्यूम ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है कि चैनल ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा बात है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बता सकता हूँ कि अधिकतर क्या फॉल्ट हो सकता है। दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ, ये अधिकतर जो फॉल्ट, इसी तरह फॉल्ट आईसी से हो सकता है, ठीक है, मेन प्रोसेसर आईसी से हो सकता है। तब भी आपको फॉलो करना पड़ेगा किस तरह, देखिए देखिए मैं मीटर ले लिया और मीटर का ये क्वांटिटी मोड पर मैं रखा हूँ, वॉच करके देखिए, देखिए मीटर ये बाज रहा है, ये क्वांटिटी मोड पर है। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो दो पॉइंट है, ये की का मतलब, की मतलब क्या होता है कि बॉटम स्विच का अंदर जिसका कनेक्शन आता है उसका एक पॉइंट मेन आईसी का साथ कनेक्शन देखा जाता है। तो ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट का अंदर, एक पॉइंट का अंदर 5 वोल्ट आता है, ठीक है, और एक पॉइंट का अंदर ये जो पॉइंट मेन आईसी से इसका कनेक्शन होता है। तो जब
कुछ भी बॉटम आप दबाएगा, दबाने का बाद इसका वायर का थ्रू जो सिग्नल जाता है यहाँ पर आता है और यहाँ से ये डायरेक्ट आईसी के अंदर जाता है। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट देखिए, ये आईसी लाइन आप इस तरह ट्रैक करेगा तब देख सकते, इसी तरह लाइन जो जा रहा है यहाँ पर आ रहा है। देखिए इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। और उसका बाद ये बीच में जम्पर है, और जम्पर का बाद देखिए दोस्तों ये आईसी का 3 नंबर पिन पर आता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसका अंदर देखा जाता है। हो सकता है बहुत पीसीबी के अंदर बीच में एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लाइन आईसी के अंदर जा रहा है, अलग अलग आईसी का नंबर अलग होता है, अलग अलग आईसी नंबर का हिसाब से उसका जो की सिग्नल इनपुट पिन भी अलग होता है। बट ये चाइना पीसीबी का 8 IC का ये 3 नंबर पिन पर सिग्नल इन होता है, ठीक है। आपको मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी पीसीबी आप इसी तरह रिपेयर कर सकते हो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो 3 नंबर पिन पर सिग्नल इन हो रहा है, इसका अंदर देखिए, ये जो लाइन का अंदर देखिए, बीच में यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो लाइन देखिए, लाइन के अंदर यहाँ से यहाँ तक एक पीएफ है, ठीक है। ये जो पीएफ है, कैपेसिटर भी हो सकता है। तो ये लाइन का अंदर 2-3 पार्ट्स ही देखा जाता है। ये लाइन का ये पार्ट्स को भी आपको एक बार ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। ये ओपन करके देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो बढ़िया बात है, और प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तो आपको ये लास्ट आईसी को चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आईसी का पिन पर जो सिग्नल इन होता है, ये आईसी पिन को आप ओपन करके भी देख सकते हो कि ये पिन ओपन करने के बाद उसका बाद भी मान लो वॉल्यूम अप हो रहा है कंटिन्यू कि अप डाउन हो रहा है। स्क्रीन पर लिखा देखा जाता है वॉल्यूम का अप और माइनस, चैनल का चैनल प्लस माइनस, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आपको लास्ट कन्फर्म होना चाहिए कि ये प्रोसेसर ऐसे ख़राब है। इसी तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ये एलजी पीसीबी है, एलजी पीसीबी के अंदर भी इसी तरह सेम सिस्टम है। देखिए ये जो की है, देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो ये जो की लाइन है, आपको देखना पड़ेगा कि पूरा प्रैक्टिकल मीटर के साथ आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये जो अलग अलग की, देखिए की यहाँ पर इन होता है, ये की का इनपुट पॉइंट है, ठीक है। और ये बीच में एक एक सीरीज रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये एक एक सीरीज रेजिस्टेंस है जो एक एक बॉटम स्विच के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। एक एक बॉटम स्विच के साथ ये सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्शन होता है, और ये जो पॉइंट ये डायरेक्ट आईसी के साथ कनेक्शन है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली मीटर लेकर टेस्ट करके दिखा सकता हूँ। देखिए ये जो लाइन, देखिए मीटर बज रहा है और ये लाइन जो जा रहा है, आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, ये इस तरह इधर से ये जा रहा है, ठीक है। जाने के बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा कि देखिए ये, देखिए ये पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। अब मीटर यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट पर आ रहा है एक की लाइन से, देखिए यहाँ तक ये आ रहा है। मीटर का थोड़ा ओम्स रीडिंग जो क्वांटिटी रीडिंग थोड़ा प्रॉब्लम है, और उसका बाद इधर से इधर तक एक जम्पर है, ठीक है। और जम्पर का बाद ये जो लाइन जा रहा है, देखिए आईसी का ये पिन पर, ये मेन प्रोसेसर आईसी है, ठीक है। ये मेन प्रोसेसर का ये पिन पर आ रहा है। बट दोस्तों ये लाइन को भी आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लाइन, ये लाइन को भी आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। ये लाइन का अंदर भी दो एक रेजिस्टेंस पीएफ देखा जाता है। तो दोस्तों ये देखिए इधर से इधर तक एक रेजिस्टेंस है। तो इसी तरह ये लाइन के अंदर कुछ भी रेजिस्टेंस पे मिलेगा तो वो लाइन को आपको एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। देखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो ये जो प्रोसेसर आईसी है, ये प्रोसेसर आईसी खराब, ठीक है। तो इसी तरह मैं बहुत प्रोसेसर आईसी खराब मिला, कंटिन्यू चैनल चेंज जब देखा जाता है तो प्रोसेसर आईसी अधिकतर खराब मिलता है। बट ये लाइन के अंदर आपको एक बार जो देखना पड़ेगा, कुछ भी पार्ट्स हो सकता है, पीएफ रेजिस्टेंस कैपेसिटर, वो भी आपको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो एलजी का ये जो सिग्नल इनपिन है, की का जो पॉइंट है ये इनपिन है, और ये जो पिन का साथ टच होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बॉटम स्विच दबाने के बाद ये सिग्नल नेगेटिव के साथ कनेक्शन होता है। कनेक्शन होने के बाद इसका हिसाब से उसको आईसी को सिग्नल देता है कि आप वॉल्यूम बढ़ाएगा कि कमाएगा, इसी का हिसाब से। और दोस्तों चाइना पीसीबी के अंदर ये जो चाइना पीसीबी आप देख रहे हो, चाइना पीसीबी के अंदर ये की सिग्नल पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, बट इसका जो अलग पिन है यह पर 5 वोल्ट का साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो ये बॉटम स्विच जब इसको कनेक्शन करने के बाद ये बॉटम स्विच आप दबाएगा तो ये बीच में ये भी सीरीज रेजिस्टेंस है, तो ये प्लस 5 वोल्ट सप्लाई के साथ ये
टच होता है। टच होने का बाद इसका जो सिस्टम है इसी का हिसाब से ये आईसी को वो कमांड करता है कि आप ये वॉल्यूम काम करेगा कि चैनल चेंज करेगा, इसी का हिसाब से कमांड देता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।